नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। खबर यूपी के एटा से है, जहां थाना सकीर टासपुर मालवान रोड स्थित पुलिया के पास मंगलवार की रात करीब 10 बजे राजस्थान की रहने वाली एक महिला का फावड़ा प्रहार कर निर्ममता से मर्डर किया गया। गश्त कर रही पुलिस ने पति सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तीनों से हत्या के पीछे की वजह जानने के लिए पूछताछ कर रही है। महिला के पति की थाना मारहरा क्षेत्र में ननिहाल है और षड्यंत्र में मामा को भी शामिल किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि जिला व थाना धौलपुर के गांव भैंसरा निवासी सुनीता देवी उम्र 30 वर्ष पत्नी भूरी सिंह की आसपुर रोड स्थित लाल पुलिया पर फावड़ा प्रहार कर निर्दयता से मंगलवार की रात हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला के पति भूरी सिंह, इसके मामा हरि सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गोपालपुर थाना मारहरा और शेर सिंह पुत्र सरमन सिंह निवासी नगला इंदी थाना सकीट को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। इसमें अब तक निकल कर आया है कि सुनीता के कोई संतान नहीं होती थी। वह एटा स्थित एक निजी चिकित्सालय से दवा ले रही थी। मंगलवार को भी पति के साथ दवा लेने आई थी। रात को पति का मामा षड्यंत्र के तहत एटा आ गया। भूरी सिंह और हरि सिंह ने देर रात तक जमकर शराब पी थी। इसके बाद सकीट क्षेत्र में महिला की हत्या करने के लिए ले गए। लाल पुलिया पर गला दबाकर हत्या कर रहे थे। तभी महिला की चीख पुकार सुनकर खेत में पानी लगा रहा शेर सिंह आ गया। उसने हत्या करते हुए देख लिया। हत्यारों ने उसे 50,000 रुपये का लालच देकर हत्या में शामिल कर लिया। पति और मामा ने महिला के हाथ पैर पकड़ लिए और शेर सिंह ने पहले महिला का गला दबाया, बाद में हरि सिंह ने शेर सिंह के फावड़े से सिर और छाती पर प्रहार कर हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर नगला इंदी के लोगों ने डायल 112 पर सूचना दे दी। इसी पर थाना और पीआरबी पुलिस वारदात स्थल पर बिना समय गंवाए पहुंच गई। तब तक हत्यारोपी भाग नहीं पाए थे और तीनों को अलाकत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभी भी हत्या की वजह जानने के लिए तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है। प्राइम न्यूज 24 के साथ विकास दुबे की रिपोर्ट। ये थाना सकीट के अंतर्गत घटना घटती हुई रात्रि 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है सुनीता देवी नाम की, जो सड़क के किनारे पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर गई, छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि इसका पति भूरी सिंह नाम का पति है, जो कि धौलपुर का रहने वाला है, वर्तमान कोतवाली देहात में रह रहा है। उसके द्वारा अपने दो साथियों से मिलकर के अपनी पत्नी की हत्या करके सड़क पर डाल दिया गया था, जिससे उसको लोग एक्सीडेंट समझें। एक पूछताछ में वो टूट गया। उसने बताया कि मेरी शादी करीब 15-20 साल पहले हुई थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसने बड़ा इलाज कराया था, बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए उसने उसको मार करके दूसरी शादी करना चाहता था, इसलिए दो साथियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।